हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डेटा टाइप कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, आज के इस चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कमेंट्स, फिर डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है वो। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स एंड कांस्टेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स हमारे लिए एकदम नए हैं, हम फर्स्ट टाइम ही इन सभी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स क्या होता है, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ये सब क्या होता है वो। ओके, तो ये सब हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। फिलहाल हम अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कमेंट्स। ठीक है, एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ कमेंट्स है क्या, तो चलिए सबसे पहले हम अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा एक बेसिक सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने इंक्लूड कराया है अपना स्टडियो डॉट एच फाइल और हमारा मेन का फंक्शन का पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कमेंट्स यानी कि क्या। तो इसको समझने के लिए मैं फिलहाल एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, राइट। और उसके बाद मैं एक और प्रिंट एफ फंक्शन लिखूँगा, वहाँ पर कोई एक नया मैसेज मैं लिखूँगा, फॉर एग्जांपल वेलकम टू सी लैंग्वेज। ठीक है, अब इन दोनों को मैं सेव करूँगा और फाइल को रन करूँगा, तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू सी लैंग्वेज, दो अलग अलग मैसेज आ गए। ठीक है, न्यू लाइन में लेने के लिए हम लिखेंगे स्लैश एन, फाइल को सेव करेंगे, फिर से रन करेंगे, तब आप देख सकते हो न्यू लाइन के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट के अंदर सिर्फ ये वेलकम टू सी लैंग्वेज वाला मैसेज ही लाना है, ये ऊपर वाला हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज है वो मुझे नहीं लाना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस लाइन को पूरा का पूरा डिलीट कर दूंगा, ठीक है, अब मैं फाइल को सेव करूंगा और रन करूंगा, तो मुझे एक ही मैसेज आ गया वेलकम टू सी लैंग्वेज। और दूसरा तरीका क्या है, मैं उस मैसेज को ऐसे ही रहने दूंगा हेलो वर्ल्ड, और मैं इस लाइन को डिसेबल कर दूंगा, यानी कि अब प्रोग्राम ऊपर से नीचे जब रन होगा तब वो इस लाइन को इग्नोर करना चाहिए और सिर्फ इसी लाइन को रन करना चाहिए वेलकम टू सी लैंग्वेज। तो ऐसा किस तरह से करेंगे, तो हमें कंपाइलर को कहना होगा कि भैया तुम्हें इस लाइन को इग्नोर करना है, इस लाइन को स्किप करना है, इस लाइन को स्टडी नहीं करना है, ठीक है, रन नहीं करना है, अब तुम्हें सिर्फ ये वाली लाइन को ही रन करना है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू सी लैंग्वेज। तो इस लाइन को स्किप करने के लिए हमें इसको कमेंट में लिखना होगा। कमेंट में किस तरह से लिखेंगे, इस लाइन के आगे आपको करना है डबल स्लैश, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको करना है डबल स्लैश, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, जैसे ही आपने डबल स्लैश कर दिए तो पूरी की पूरी लाइन अब कमेंट में आ गई है, यानी कि अब अगर आपकी फाइल को आप सेव कराओगे और रन कराओगे तब वो लाइन रन नहीं होगी, देखिए। ठीक है, अब हमारी इस नीचे वाली लाइन ही सिर्फ रन हुई है वेलकम टू सी लैंग्वेज। ओके, तो इस तरह से अगर आपको किसी भी लाइन को स्किप करवाना हो या फिर इग्नोर करवाना हो कंपाइलर के थ्रू, तो फिर उस लाइन को आपको एज अ कमेंट रिप्रेजेंट करना होगा। अब ये वाली लाइन हमारी कमेंट बन चुकी है, किस तरह से, आगे हमने रिप्रेजेंट कर दिया डबल स्लैश। ठीक है, तो कोई भी लाइन के आगे अगर आपको डबल स्लैश देखने को मिले, यानी कि ये लाइन फिलहाल स्किप करेगा हमारा कंपाइलर, इग्नोर करेगा। ठीक है, डबल स्लैश के बाद में ऐसा स्पेस डालना भी कंपलसरी नहीं है, आप अगर स्पेस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज उसको भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप की कमेंट। कमेंट दो टाइप की होती है, ये जो हमने देखी हमारी फर्स्ट टाइप की कमेंट, उसको बोला जाता है सिंगल लाइन कमेंट। क्या बोला जाता है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, कोई एक लाइन को ही कमेंट कर सकोगे आप, किसकी मदद से, डबल स्लैश की मदद से, राइट। जो भी लाइन आपको कमेंट में लिखनी है उस लाइन के आगे आपको लिख देना है डबल स्लैश, यानी कि वो लाइन अब आपकी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की कमेंट को बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप, जिसका नाम है मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि एक ही साथ आप कई सारी लाइन्स को क्या कर सकते हो, कमेंट आउट कर सकते हो। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिर्फ एक प्रिंट एफ लिखूंगा और उसी को मैं दोबारा से प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। चलिए इस लाइन को मैं कर देता हूँ कमेंट। अब हमारी ये जो लाइन है प्रिंट एफ वाली, ठीक है, टोटल 7 लाइन्स हैं, वो 7 लाइन ही आएगी, और इन सभी के पीछे हम लिख देंगे स्लैश एन, ठीक है, न्यू लाइन के अंदर ले जाने के लिए। ओके, चलिए अब इस फाइल को मैं करूँगा सेव और रन। अब आप देख सकोगे 7 बार आ गया है वेलकम टू सी लैंग्वेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
मुझे इस पहली पांच लाइन को कमेंट करना है। क्या करना है? पहली पांच लाइन को कमेंट करना है, यानी कि अब मेरी लास्ट वाली दो लाइन है वही आउटपुट के अंदर आनी चाहिए, ऊपर की पांच लाइन नहीं आनी चाहिए। तो ऊपर की पांच लाइन को हम क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, राइट। किस तरह से? हर एक लाइन के आगे आपको क्या लगा देना है? इस तरह से स्लैश स्लैश लिख देना है, राइट, यानी कि सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर मैं फाइल को सेव करूंगा और रन करूंगा तो मुझे मिल जाएगी लास्ट की दो वाली लाइन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस तरह से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इसको तो बोला जाता है सिंगल लाइन कमेंट, हमें तो क्या सीखना था? मल्टी लाइन कमेंट। चले, यहां पर तो हमारे पास सिर्फ पांच ही लाइन को कमेंट करना था, इसलिए हमने स्लैश स्लैश करके कर दिया था, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर आपको एक ही साथ इस तरह की 100 लाइन है, 100 लाइन है, उसको कमेंट आउट करना है, तो हर आगे हर किसी एक लाइन के आगे आप थोड़ी ना इस तरह से लिखना चाहोगे, राइट, ये तो थोड़ी लेंथी प्रोसेस होगी, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको यूज करना है मल्टी लाइन कमेंट। किस तरह से? मल्टी लाइन कमेंट आपको जहां भी स्टार्ट करनी है वहां पर आपको लिखना है स्लैश स्टार, और जहां पर भी आपको खत्म करनी है वहां पर आपको लिखना है स्टार स्लैश। स्टार्ट करेंगे हम स्लैश स्टार से और खत्म करेंगे स्टार स्लैश से। इन दोनों के बीच में जितनी भी लाइन लिखी जाएगी वो होगी हमारी मल्टी लाइन कमेंट। देखिए, इस लाइन से मुझे हमारी कमेंट स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लैश स्टार, और मुझे कहाँ पर खत्म करनी है? हमारी इस पांचवी लाइन के बाद में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टार स्लैश, समझ रहे हो। तो देखिए, ये हमारा स्टार स्लैश, यानी कि हमारी मल्टी लाइन कमेंट अब यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, और स्टार स्लैश यानी कि यहाँ पर अब खत्म हो चुकी है। तो इसके बीच में अब जितनी भी लाइन आएगी वो होगी हमारी मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि इतनी लाइन अब हो जाएगी स्किप, ठीक है। तो इस तरह से आपको कभी भी मल्टी लाइन कमेंट यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा लाइन को कमेंट करना हो तो फिर आप यूज कर सकते हो इस तरह से स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप जितनी भी लाइन लिखोगे वो हो जाएगी आपकी मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि ये हो जाएगी आपकी इग्नोर, स्किप हो जाएगी, राइट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कमेंट। दो टाइप्स का कमेंट आता है। पहला टाइप होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि आप बनाओगे डबल स्लैश की मदद से। दूसरा टाइप आता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, जो कि आप बनाओगे स्लैश और स्टार की मदद से, ठीक है। तो इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, चलिए, ये तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ कमेंट। अब इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डेटा टाइप, वेरिएबल्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। चलिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो नंबर है 3 और 5, तो इन दोनों का मुझे सम करना है, इन दोनों का मुझे एडिशन करना है। तो क्या मैं प्रिंट एफ के अंदर इस तरह से लिख सकता हूँ 3 + 5? तो क्या इन दोनों का मुझे सम मिल जाएगा 8? चले देखते हैं। ये देखिए, हमें 8 नहीं मिला, बल्कि हमने जो प्रिंट एफ के अंदर लिखा हुआ था वही एग्जैक्टली मिल रहा है 3 + 5, राइट। यानी कि प्रिंट एफ का कुछ इसमें कसूर नहीं है। प्रिंट एफ तो क्या करेगा, डबल कोटेशन के अंदर आपने जो भी मैसेज दिया है वही तो प्रिंट करेगा, वही तो प्रिंट एफ का काम है। लेकिन मेरा गोल फिलहाल क्या है, मुझे इन दोनों नंबर का सम करना है, इन दोनों नंबर का एडिशन करना है एग्जैक्टली। तो वो हम किस तरह से करेंगे? तो हम कभी भी प्रिंट एफ की मदद से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यूज में लेना होगा वेरिएबल, ठीक है। इसके लिए हमें क्या यूज में लेना होगा? वेरिएबल। वेरिएबल एक नया शब्द है हम सभी के लिए, ठीक है। वेरिएबल यानी कि क्या? प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल यानी कि वन टाइप ऑफ कंटेनर। क्या होता है? वन टाइप ऑफ कंटेनर, जो कि हमारा डेटा स्टोर करेगा, विच स्टोर्स अवर डेटा, राइट। वेरिएबल्स यानी कि एक प्रकार का कंटेनर जो कि आपके डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो टाइप के डेटा है फिलहाल, 3 और 5, ठीक है। तो एक है हमारे पास 3 और एक है हमारे पास 5। तो 3 को हमें किसी के अंदर स्टोर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ, हमारे घर के अंदर 3 लीटर मिल्क पड़ा हुआ है और दूसरी बाल्टी के अंदर 5 लीटर मिल्क पड़ा हुआ है, यानी कि कोई एक कंटेनर, ठीक है। हमारे पास दो अलग अलग कंटेनर है, जिसके अंदर 3 लीटर मिल्क पड़ा हुआ है, दूसरे कंटेनर के अंदर 5 लीटर मिल्क पड़ा हुआ है। तो वो किसी कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको ये जो डेटा है वो आपको कोई किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करना होगा, और उस कंटेनर को बोला जाता है वेरिएबल, ठीक है। ओके, तो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कोई भी एक नया कंटेनर बनाऊंगा, ए इज इक्वल टू 3, और इसी तरह से बी इज इक्वल टू 5,
ठीक है, लाइन एंड होने के बाद आपको क्या लिखना है, सेमी कोलन। तो इस तरह से मैंने क्या किया, थ्री डेटा को इज इक्वल टू की मदद से असाइन कर दिया ए नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक उसी तरह से पांच को भी मैंने असाइन कर दिया बी नाम के कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर है, वेरिएबल है। अब ए के अंदर हो चुका है स्टोर मेरा थ्री, बी के अंदर स्टोर हो चुका है फाइव। ठीक है, तो ए और बी जो कि अलग अलग हमारा डेटा स्टोर कर रहा है उसको बोला जाता है वेरिएबल। यहाँ पर ए को भी एक वेरिएबल बोला जाएगा, बी को भी एक वेरिएबल बोला जाएगा। यानी कि ए एक कंटेनर है जो क्या कर रहा है, स्टोर थ्री। बी भी एक कंटेनर है जो कि क्या स्टोर कर रहा है, फाइव। ठीक है, अब इस वेरिएबल को और डेटा को समझने के लिए मैं आपको एक फिगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको चार अलग अलग बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट। पहले बॉक्स का नाम है माई इंट, उसके अंदर एक वैल्यू है फोर। अब फोर जो है इस कंटेनर के अंदर जा चुकी है। ठीक है, ठीक उसी तरह से एक और वैल्यू है 2.5, 2.5 भी एक बॉक्स के अंदर, यानी कि ये जो बॉक्स है वही है आपका वेरिएबल, वही है आपका एक कंटेनर। ठीक है, तो 2.5 अंदर जा चुकी है इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स का नाम क्या है, माई रियल। ठीक है, उसी तरह से एक और वैल्यू है ए जो कि एक अलग बॉक्स के अंदर स्टोर है, हेलो जो कि एक अलग बॉक्स के अंदर स्टोर है। तो ये सभी जो बॉक्स है उसको बोला जाता है कंटेनर, सिंपल वेरिएबल। ठीक है, प्रोग्रामिंग की भाषा में इस बॉक्स को बोला जाता है वेरिएबल्स जो कि अलग अलग टाइप के डेटा को होल्ड कर रहे हो गए। तब आप इस फिगर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स और अलग अलग टाइप के डेटा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से फिलहाल मैंने दो बॉक्स बनाया है। फर्स्ट बॉक्स का नाम रखा है ए, दूसरे बॉक्स का नाम रखा है बी। ठीक है, अब सपोज ए बॉक्स के अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं इस तरह का, बी बॉक्स के अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं कोई पॉइंट वाला, फॉर एग्जाम्पल 5.2। ओके, चलिए अब इन दोनों को मैं प्रिंट कराऊंगा प्रिंटएफ की मदद से, ए प्लस बी, तो अब होना चाहिए, राइट। हमने ए का सम किया बी के साथ, तो अब तो होना ही चाहिए, समझ रहे हो। चलिए अब इस फाइल को सेव करते हैं और रन करेंगे, तो मेरे पास एरर आ चुकी है। देखिए यहाँ पर आप नीचे एरर देख सकते हो, रेड लाइन वाली। ठीक है, दो एरर है। सबसे पहली एरर है ए अनडिक्लेयर्ड और दूसरी एरर है बी अनडिक्लेयर्ड। यानी कि ये जो ए है और बी है वो दोनों है क्या, वो भी फिलहाल हमारा प्रोग्राम समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, ए और बी एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए हो क्या रहा है, हम कोई नया डेटा ले रहे हैं उसको एक कंटेनर के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर क्या करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं, राइट। लेकिन उस कंटेनर का टाइप क्या होगा, उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, वो भी हमें देना पड़ेगा। वो भी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन को समझाना पड़ेगा कि एक प्रकार का डेटा है जो कि है बिना पॉइंट वाला डेटा, दूसरा डेटा है जो कि एक पॉइंट वाला डेटा है, राइट। तो जो भी डेटा बिना पॉइंट का होता है उसको प्रोग्रामेटिक बोला जाता है इंटीजर वाला डेटा। क्या बोला जाता है, इंटीजर डेटा। जो भी एक ऐसा डेटा जिसके अंदर पॉइंट आता है, कोई फ्लोटिंग वैल्यू आती है, डेसिमल वैल्यू आती है, उसको बोला जाता है फ्लोट। ठीक है, ये जो हम डेटा देख रहे हैं उस डेटा का भी एक टाइप होता है। ठीक है, ये वाला डेटा जिसके अंदर कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, उस टाइप के डेटा को प्रोग्रामेटिकली बोला जाता है इंटीजर डेटा। और एक और तरह का डेटा जिसके अंदर मे बी पॉइंट आ सकता है, डेसिमल वैल्यू आ सकती है, तो इस तरह के डेटा को बोला जाता है फ्लोट टाइप का डेटा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्रोग्राम को बोलना होगा कि ए टाइप का जो वेरिएबल है वो होल्ड कर रहा है इंटीजर वाला डेटा, और बी टाइप का कोई एक वेरिएबल है वो होल्ड कर रहा है फ्लोटिंग वाला डेटा, राइट। तो किस तरह से हम बनाएंगे, किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स को। यहाँ पर आप एक बात रियल वर्ल्ड की समझिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 लीटर मिल्क पड़ा हुआ है, राइट। वो किसी एक पात्र के अंदर, किसी एक कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक तपेली है, राइट, एक बाउल है। तो बाउल का डेटा टाइप क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मिल्क को स्टोर करने के लिए हम किस तरह का बाउल ले सकते हैं, स्टील का बाउल ले सकते हैं, राइट, फिर पित्तल का बाउल ले सकते हैं, प्लास्टिक का बाउल ले सकते हैं, फाइबर का बाउल ले सकते हैं। यानी कि आपका जो कंटेनर है, आपका जो बाउल है, उसका भी टाइप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम है। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह का कंटेनर, किसी भी तरह का वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो, तो फिर आपको प्रोग्राम को पहले बताना होगा कि आप जो वेरिएबल्स यूज़ करना चाह रहे हो वो आखिर किस टाइप का यूज़ करना चाहते हो। हमारे पास फिलहाल दो टाइप है, या तो एक वेरिएबल हो सकता है इंटीजर टाइप का,
या तो एक वेरिएबल हो सकता है फ्लोट टाइप का, राइट, इंटीजर यानी कि बिना पॉइंट वाली वैल्यू, फ्लोट यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू। अब देखिए ए नाम के वेरिएबल के अंदर आप कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, इंटीजर टाइप की, राइट, तो फिर आपको ए नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा इंटीजर, इस तरह से इंट और स्पेस करके ए, इस तरह के। यानी कि अब आपने अपने प्रोग्राम को बता दिया, अपने कंपाइलर को बता दिया कि आगे जाकर मेरे पास ए नाम का वेरिएबल आने वाला है जो कि स्टोर करने वाला होगा इंटीजर वैल्यू। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा इंटीजर नहीं लिखना है, आपको कंपलसरी इसी तरह से इंट ही लिखना है, इंट यानी कि इंटीजर, राइट। उसी तरह से आपको नया वेरिएबल लेना होगा बी। ठीक है, जो भी वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हो प्रोग्राम के अंदर, वो सबसे पहले आपको ऊपर डिक्लेयर करने होंगे, कहना होगा आपके प्रोग्राम को कि आप कौन से टाइप का डेटा, कौन से टाइप का वेरिएबल्स बनाना चाह रहे हो। अब देखिए हमारे पास एक और वेरिएबल है बी, जो कि है पॉइंट वाली वैल्यू, जो कि स्टोर कर रहा है एक पॉइंट वाली वैल्यू, यानी कि बी का डेटा टाइप अब क्या होगा, फ्लोट होगा, राइट। तो अभी हमें यहाँ पर लिखना है फ्लोट बी, इस तरह से। याद रखिएगा जब भी आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स बना रहे हो तब आपको आगे लिखना है इंट, जब आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना रहे हो तो आगे लिखना है फ्लोट। ठीक है, पूरा का पूरा फ्लोट, जबकि इंटीजर में आपको कंपलसरी इंट, तीन डिजिट का ही लिखना है, तीन कैरेक्टर का ही लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हमारा जब भी मेन प्रोग्राम शुरू होगा तो फर्स्ट लाइन स्कैन करेगा इंटीजर ए, यानी कि अब प्रोग्राम को मालूम पड़ चुका है कि आगे जाकर इस प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल यूज में आने वाला है ए नाम का, जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। ठीक है, दूसरी लाइन स्कैन करेगा, अब उसको यह मालूम पड़ गया कि आगे जाकर बी नाम का भी एक वेरिएबल आने वाला है जिसका डेटा टाइप होगा फ्लोट, यानी कि बी के अंदर आप पॉइंट वाली वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिक्लेयर करना होगा वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी कंटेनर्स आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन उन सबको यूज़ करने से पहले यहाँ पर ऊपर आपको उन सबको डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है डिक्लेरेशन, क्या बोला जाता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, यानी कि आपको वेरिएबल का डिक्लेयर करना है, आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है ऊपर। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया होगा तो इस तरह से आप इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यूज़ करना चाहते हो डायरेक्टली विथआउट डिक्लेरेशन तो आपको एरर बताएगा, राइट। तो इस तरह से आपको बनाना है वेरिएबल्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट फिलहाल निकाल लो। इस तरह से हम दो वेरिएबल्स बना सकते हैं, इंटीजर और फ्लोट। ओके, तो ये इंटीजर और फ्लोट है उसको बोला जाता है डेटा टाइप, क्या बोला जाता है, डेटा टाइप। ये हमारा नया वर्ड है डेटा टाइप, यानी कि क्या, टाइप ऑफ स्पेसिफिक डेटा। हमारे पास फिलहाल दो तरह के डेटा है, थ्री और दूसरा डेटा है 5.2। तो थ्री का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर हुआ, राइट। 5.2 का डेटा टाइप क्या हुआ, फ्लोट हुआ, राइट। तो इस तरह से आपको मेंशन करना है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप भी डेफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, अब सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पर कमेंट निकाल देता हूँ। ठीक है, ये है हमारी सिंपल डिक्लेरेशन और ये है असाइनमेंट, इसको बोला जाता है असाइनमेंट, क्या बोला जाता है, असाइनमेंट या फिर इनिशियलाइजेशन। किसी भी वेरिएबल के अंदर आप अगर उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो इस प्रोसेस को बोला जाता है असाइनमेंट करना या फिर इनिशियलाइजेशन करना। एक ही वैल्यू को आपने इनिशियलाइज किया, किससे, थ्री से। बी की वैल्यू को आपने इनिशियलाइज किया, किससे, 5.2 से, यानी कि 5.2 अब चला गया बी नाम के बॉक्स के अंदर, यहाँ पर 3 चला गया ए नाम के बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इन प्रोसेस को बोला जाता है असाइनमेंट या फिर इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल्स को बनाने की प्रोसेस को बोला जाता है डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करने की प्रोसेस को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन या फिर असाइनमेंट। ठीक है, इन सब प्रोसेस का नाम आपको याद रखना है, ये सब प्रोग्रामेटिकली नए नए वर्ड और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, किसकी मदद से हमने असाइन किया, 3 को ए के अंदर किसकी मदद से डाला हमने, इक्वल टू की मदद से, राइट। ठीक उसी तरह 5.2 को हमने बी के अंदर असाइन किया, लेकिन किसकी मदद से, इक्वल टू की मदद से। तो इक्वल टू एक प्रकार का ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा इक्वल टू वन टाइप ऑफ ऑपरेटर है। ऑपरेटर यानी कि कोई एक काम करता होगा स्पेसिफिक। इक्वल टू का काम क्या है, राइट हैंड साइड ऊपर जो भी वैल्यू है उसको असाइन करेगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रहे हुए वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ओके,
तो अब हमने देख लिया डिक्लेरेशन एग्जैक्टली क्या है, वेरिएबल्स को बनाना, असाइनमेंट या फिर इनिशियलाइजेशन क्या है, उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। ओके चलिए अब मैं क्या करूँगा, दो सेम टाइप के वेरिएबल बनाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर भी इंटीजर वाली वैल्यू डाली है मैंने, बी के अंदर भी इंटीजर वाली वैल्यू डाल दी, तो बी का डेटा टाइप भी मुझे चेंज करना होगा क्या, इंटीजर, इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इसलिए हमने दोनों वेरिएबल्स ऊपर क्या बनाए, इंटीजर ही बनाए हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे 10 वेरिएबल है तो 10 वेरिएबल बनाओ, तो सबसे पहले ऊपर आपको 10 वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करने होंगे, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी, वॉट एवर जो भी आपने नाम रखा हो, ठीक है। और हाँ, वेरिएबल्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर जो आपने वेरिएबल्स बनाए ना ए और बी, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, और दूसरे का नाम मैं लिख रहा हूँ सेकंड, ठीक है। तो अब आपको फर्स्ट और सेकंड को क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा कुछ इस तरह से, राइट। वेरिएबल्स का नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, वॉट एवर, अपना नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन हाँ वेरिएबल्स जब आप बनाओगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। वेरिएबल्स का नाम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, वो हमेशा अल्फाबेटिक ही होना चाहिए। अगर आप वेरिएबल का नाम इस तरह से रखोगे सेवन फर्स्ट, तो वो नहीं चलेगा, ये इनवैलिड होगा, ठीक है। आपने डिक्लेयर भी कर लिया, आपने यूज भी कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगी। क्यों? वेरिएबल्स का रूल है फर्स्ट लेटर कभी भी न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज एंड ऑलवेज अल्फाबेटिक ही होना चाहिए। हाँ, नंबर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर लास्ट में यूज़ कर सकते हो इस तरह से, अगर आप चाहो तो नंबर यहाँ पर बीच में भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से नंबर बीच में चल सकता है, लास्ट में चल सकता है, लेकिन कभी भी आगे फर्स्ट पोजिशन पर नहीं चल सकता, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। एक और बात, वेरिएबल का नाम आप अंडरस्कोर से भी बना सकते हो, इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो, यह भी एक रूल है, ठीक है। आपके कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिक वैल्यू वाली जो लाइन होती है, फर्स्ट फर्स्ट रो जो होती है, उसके अंदर 1 to 0 आपको कई सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, राइट। हैशटैग होगा, उसके बाद एट द रेट होगा, तो वो सब नहीं चलेंगे, उसमें से सिर्फ एक ही सिंबल चलेगा, अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम आप चाहो तो फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हो कोई अल्फाबेटिक वैल्यू से या फिर अंडरस्कोर से, ये दोनों आपके पास है ऑप्शन, ठीक है। तो आपको अंडरस्कोर से भी बनाना होगा, डिक्लेयर करना होगा, और उसको अंडरस्कोर से ही यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल है आपको ध्यान में रखने। चलिए फिलहाल मैं सिंपलिसिटी के लिए ए और बी वेरिएबल्स का नाम लिख रहा हूँ, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, राइट। हमने डिक्लेयर कर लिया, असाइन भी कर लिया, अब हम कराते हैं प्रिंट। चलिए तो प्रिंट में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है ए प्लस बी, चलिए अब मैं इसको करूँगा सेव और रन कराऊंगा, तो अब देखिए आपको आउटपुट में मिलेगा ए प्लस बी, यानी कि अभी भी ए और बी की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं ले रहा, राइट। आपको ए प्लस बी ही मिल रहा है, प्रिंट एफ के अंदर जो भी आपने स्ट्रिंग बनाई हुई है वही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, एग्जैक्ट ए और बी का सम चाहिए था, ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, तो अब यहाँ पर आपका ये वाला प्रिंट एफ नहीं चलेगा। वेरिएबल्स को प्रिंट कराने के लिए एक अलग से नया प्रिंट एफ आपको यूज करना होगा, जी हाँ एक नया प्रिंट एफ है। ये देखिए नए प्रिंट एफ की सिंटेक्स क्या है, कुछ इस तरह से है नए प्रिंट एफ की सिंटेक्स। आप जो मैसेज लिखते थे अब तक वो तो आपको लिखना ही है डबल कोटेशन के अंदर, उसके बाद कोमा करना है, अल्प विराम करना है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ एक नई चीज लिखनी है आपको, ठीक है। ये वाला नया प्रिंट एफ का सिंटेक्स, नया स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। क्यों यूज करना है, इन दोनों का सम करने के लिए, वेरिएबल्स को दर्शाने के लिए, प्रिंट कराने के लिए। अब सपोज सम को थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, फिलहाल हम देख लेते हैं एक ही वैल्यू को आप किस तरह से डिस्प्ले कर सकोगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक नई चीज़ आई है, क्या लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। किस तरह से, ये जो आपका कोमा है ना, उसके बाद आपको लिखना है जो भी आप एग्जैक्टली यहाँ से प्रिंट कराना चाहते हो वो। मेरा गोल क्या है, मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है, तो एक ही वैल्यू, यानी कि वेरिएबल का नाम है ए, तो मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा यहाँ पर इस तरह से, कोमा के बाद मुझे क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम जिसको मैं एग्जैक्टली प्रिंट कराना चाहता हूँ वो। अब समझिए ये ए है, प्रिंट एफ के अंदर आ गया, प्रिंट एफ बोलेगा कि अगर मुझे मालूम होगा ए का डेटा टाइप क्या है तो ही मैं अपने घर के अंदर ए को रहने दूंगा, अदरवाइज नहीं रहने दूंगा, सिंपल इस तरह से समझिए। ओके अब हमें मालूम है ए का डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन प्रिंट एफ को नहीं मालूम,
प्रिंटफ को यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा, डबल कोटेशन के अंदर किसी ना किसी तरह से हमें स्पेसिफाई करना होगा कि एटा डेटा टाइप एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से करेंगे। देखिए फिलहाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी वन टाइप ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यहाँ पर ऊपर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि क्या, आपको कोई एक स्पेशल सिंबल की मदद से प्रिंटफ को बताना होगा कि जो वेरिएबल आप प्रिंट कराना चाह रहे हो उसका डेटा टाइप क्या है। हाँ, डिक्लेयर करोगे तब आपको लिखना है इंटीजर इस तरह से, जब प्रिंटफ के अंदर एक्चुअल में प्रिंट कराने आ रहे हो आप तब आपको इंट नहीं लिखना है, तब आपको लिखना है परसेंटेज डी। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आपके पास इंटीजर है तो आपको परसेंटेज डी लिखना है, अगर आपके पास फ्लोट डेटा टाइप है तो फिर आपको लिखना है परसेंटेज एफ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ इन दोनों को बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर को स्पेसिफाई करने के लिए आपको लगाना होगा परसेंटेज डी, अगर यहाँ पर कोई फ्लोट वेरिएबल है तो आपको प्रिंट एफ के अंदर लिखना होगा परसेंटेज एफ। ठीक है, चलिए अब मैं इस फाइल को करूँगा सेव और करूँगा रन। तो अब आप देखिए आपको आउटपुट के अंदर 3 मिल चुका है, राइट। हमने ए की वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए, ए के अंदर कितना पड़ा हुआ है, फिलहाल 3 पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हमने नया प्रिंट एफ का वर्जन यूज़ किया, सबसे पहले हमने डबल कोटेशन के अंदर कहा परसेंटेज डी, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी परसेंट डी की जगह पर। यानी कि बैकएंड में क्या हो रहा है, जब यह स्टेटमेंट चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तब ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, राइट। तो वो 3 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, जहाँ पर आपने परसेंटेज डी लिखा हुआ है वहाँ पर आ जाएगा 3 और ये चला जाएगा बैकएंड में, आपको नहीं दिखेगा, राइट। यानी कि इनडायरेक्टली प्रिंटफ के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से हमें आउटपुट के अंदर मिला 3, राइट। लेकिन आपको क्या लिखना है, इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, चलिए इसी तरह से मैं प्रिंट कराऊंगा बी को। तो सबसे पहले आपको इस तरह का नया फॉर्मेट लिख देना है, ठीक है, कोमा के बाद लिखना है जो भी आपको प्रिंट कराना है। मुझे प्रिंट कराना है बी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेरिएबल बी, और बी का डेटा टाइप क्या है वो मुझे प्रिंटफ को बोलने आना पड़ेगा, स्पेसिफाई करने आना पड़ेगा, राइट। बी का डेटा टाइप है इंटीजर, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा परसेंटेज डी। ठीक है, इंटीजर जब भी आएगा आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है परसेंटेज डी, राइट। चलिए तो अब मैं फाइल को सेव करूँगा, और हाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परसेंटेज एन न्यू लाइन के अंदर जाने के लिए। ठीक है, अब मैं फाइल को करूँगा रन, तो अब आपको दिखाई देगा ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5, परफेक्ट, राइट। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। और हाँ एक और बात बता दूँ, आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है हमें नहीं मालूम चल रहा है, 3 किसकी वैल्यू है, 5 किसकी वैल्यू है, राइट। अगर हम यहाँ पर एक परफेक्ट मैसेज प्रिंट करा दे तो कि ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5, ठीक है, तो वो भी हम करा सकते हैं। देखिए किस तरह से इसी प्रिंटफ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, और उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी। यानी कि आपका जो प्रिंटफ है वो तो रेगुलर ही चलेगा, जहाँ पर उसको परसेंटेज डी मिलेगा वो वैल्यू फाइंड करने चाहेगा ए की, ए की जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज डी की जगह पर रिप्लेस हो जाएगी, बाकी जो हमारा मैसेज है वो तो एज इट इज आएगा प्रिंट होकर, ठीक है। उसी तरह से वैल्यू ऑफ बी इज वो तो एज इट इज आएगा, लेकिन जहाँ पर परसेंटेज डी है वहाँ पर वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी बी की, ओके। चलिए फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे, तो अब आपको परफेक्ट मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 5, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंटफ का यूज कर सकते हो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। चलिए अब मुझे बताना है एक ही प्रिंटफ के अंदर, एक ही प्रिंटफ के अंदर दोनों की वैल्यू मैं एक साथ किस तरह से प्रिंट कर सकूंगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, अब मुझे यहाँ पर लगाना है ए और बी, ओके। अब क्या होगा, हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन है वो लेफ्ट टू राइट स्कैन होगा, ठीक है। जहाँ पर भी फर्स्ट परसेंटेज डी आएगा वो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देगा ए की, ए की वैल्यू जाएगी फर्स्ट परसेंटेज डी के ऊपर, बी की वैल्यू रिप्लेस होकर जाएगी सेकेंड परसेंटेज डी के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब मैं फाइल को करूँगा सेव और करूँगा रन, तब आप देख सकते हो ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्स्ट वैल्यू डालोगे फर्स्ट परसेंटेज डी के अंदर, सेकंड वैल्यू को रिप्लेस करोगे सेकंड परसेंटेज डी के अंदर, ओके।
तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। एक ही प्रिंट एफ के अंदर आप जितने चाहो उतने वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज डी लेते जाओ और यहाँ पर उसकी वैल्यू कॉमा के थ्रू सेपरेट करते जाओ, राइट। ओके, एक और बार, अगर आपने सपोज इंटीजर के 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए हुए हैं तो आपको ये लाइन कितनी बार लिखनी होगी? 10 बार लिखनी होगी, राइट। लेकिन आप एक ही लाइन के अंदर शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। किस तरह से? ये इंटीजर बी वाली लाइन मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और यहीं पर आप बोल सकते हो कोमा बी, दैट्स ऑल। ए और बी दोनों इंटीजर टाइप के बन गए, ठीक है। अगर आप 10 वेरिएबल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर 10 वेरिएबल इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। जो भी वेरिएबल का नाम हम रखना चाहो वो, तो सभी वेरिएबल्स कोमा के थ्रू आप सेपरेट करते जाओ, उन सभी की कॉमन डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी, ठीक है। तो अलग अलग लाइन में आप नहीं लिखना चाहते हो तो इस तरह से एक ही लाइन में भी आप बता सकते हो, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने गोल के ऊपर। हमारा गोल था इन दोनों का सम करना, राइट। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कराऊंगा सम इज परसेंटेज डी, राइट। किन किन का सम करना है? ए और बी का। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी जो भी आउटपुट आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा कहाँ पर? परसेंटेज डी की जगह पर, सिंपल, राइट। तो अब मैं फाइल को कराऊंगा सेव और रन, तब आपको मिलेगा 5 + 3 = 8। तो अब आपका परफेक्ट आउटपुट आ चुका है सम इज 8, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था सम, लेकिन वेरिएबल्स की मदद से और साथ ही साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से, ठीक है। अगर आप किसी नए वेरिएबल्स के अंदर सम्स को स्टोर कराना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने नया वेरिएबल लिया सी, तो सी के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कराऊंगा? ए और बी का सम पास कर दूंगा, ए प्लस बी, इस तरह से। अब दोनों का सम मैंने किसके अंदर पास किया हुआ है, किसके अंदर स्टोर किया हुआ है? सी के अंदर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब सी भी लिख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। चलिए सेव कराते हैं, रन कराएंगे, तो वही आउटपुट हमें देखने को मिलेगा सम इज 8, ठीक है। तो ये भी एक दूसरा तरीका है। चलिए हम वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 10 और यहाँ पर लिखते हैं 12। सेव करेंगे और रन करेंगे, तो अब आपका आउटपुट आ गया सम इज 22, ठीक है। तो परफेक्ट काम कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वेरिएबल डेटा टाइप और साथ ही साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला प्रोग्राम, ठीक है। इसको भी आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट, सेव कर लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन सी है। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर कई सारी है, डेटा टाइप भी कई सारी है प्रोग्रामिंग के अंदर। हमने आज फिलहाल देखी इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। आगे जाकर आप कई सारे डेटा टाइप को स्टडी करोगे। फिलहाल मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए हमारे पास सभी डेटा टाइप्स मौजूद है यहाँ पर, और साथ ही साथ उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हमने फिलहाल यूज़ किया है इंटीजर और फ्लोट। फ्लोट को यूज़ करने के लिए आपको करना होगा परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आप इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करोगे तो आपको करना होगा या तो परसेंटेज डी या तो परसेंटेज आई, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, सेम आउटपुट आएगा, ओके। और उसके बाद कई सारी अलग अलग डेटा टाइप्स भी आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, डबल, शॉर्ट इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर वगैरह वगैरह, ठीक है। कई सारी डेटा टाइप्स अवेलेबल है और उन सब के फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें फिलहाल सभी डेटा टाइप्स नहीं देखनी है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे जो भी हमारे रिक्वायर्ड होगी वही डेटा टाइप्स हम देखेंगे। इन सभी का हमें कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और भी हमारे पास कई सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस। और ये बीच में आपको दिखाई दे गई होगी साइज, ठीक है, बाइट्स के अंदर। आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, हमने फिलहाल 3 वेरिएबल बनाए, तो ये 3 वेरिएबल रैम के अंदर एग्जैक्टली स्टोर हो गए, ठीक है। रैम के अंदर किसी ना किसी बाइट्स के साथ स्टोर हो जाएंगे, रैम के अंदर कुछ जगह को रोक कर लेंगे, ठीक है, कोई ना कोई एक जगह को स्पेसिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर का अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो तो वो रैम के अंदर 4 बाइट रहकर बैठ जाता है, दूसरा वेरिएबल भी 4 बाइट्स लेकर बैठ जाता है, और तीसरा वेरिएबल भी रैम के अंदर 4 बाइट्स को रोक लेता है, ठीक है। तो वो है हमारी बाइट्स, लेकिन इसको भी हम आगे डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, फिलहाल हम इसको करेंगे इग्नोर, ओके। एक और चार्ट में आपको बताऊँगा, ये देखिए यहाँ पर आप उसकी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फिलहाल ली है इंटीजर वाली डेटा टाइप, तो इंटीजर के अंदर आप मैक्सिमम इतनी वैल्यू स्टोर कर सकोगे और मिनिमम इतनी वैल्यू स्टोर कर सकोगे, ये एक रेंज है इंटीजर के अंदर, ठीक है। यहाँ से आगे
मतलब कि ये जो आपको स्पेसिफाई की गई है वैल्यू, इससे कोई बड़ी वैल्यू अगर आप इंटीजर के अंदर स्टोर करना चाहोगे तो आप स्टोर नहीं कर सकोगे, राइट। सपोज यहाँ पर इस वैल्यू को मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर मैं करूँगा पेस्ट इस तरह से, तो आप इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये बताना चाह रहा है आपकी रेंज, ओके। तो यहाँ पर सभी डेटा टाइप्स की रेंज आपको दी गई हुई है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो चलिए, ये था हमारा डेटा टाइप्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल्स का लेक्चर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा किस तरह से इंटीजर का यूज़ करना है वो, ओके। अब जितना भी हमने अब तक स्टडी किया है उसकी मदद से आपको एक प्रोग्राम बनाकर लाना है, ठीक है। एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, बनाकर लाना है कैलकुलेटर। क्या बनाकर लाना है? कैलकुलेटर। इस प्रोग्राम का नाम है परफॉर्म ऑल एरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब एरिथमेटिक क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन फिलहाल आपको क्या करके लाना है, कैलसी की फंक्शनलिटी बनाकर लानी है, जिसके अंदर एडिशन भी हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और साथ ही साथ मोडुलो, ये पांच ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके लाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं इन दोनों का सम करूँगा तो मुझे आउटपुट के अंदर क्या मिल रहा है, सम इज, राइट। तो यहाँ पर आपको मैसेज को थोड़ा चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ किस किस का एडिशन कितना आ रहा है वो आपको मैसेज के अंदर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं करूँगा ए का और बी का एडिशन सी आ रहा है, यानी कि परसेंटेज डी। तो एडिशन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, कन्फ्यूज मत होएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले परसेंट डी की वैल्यू हमें बतानी है ए की वैल्यू, दूसरे परसेंट डी की वैल्यू हमें बतानी है बी की वैल्यू, और लास्ट की हमें बतानी है सी की वैल्यू, राइट। यानी कि एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी, ठीक है। ये पहला वाला ए जाएगा पहले परसेंट डी के अंदर, दूसरा बी जाएगा दूसरे परसेंट डी के अंदर, और लास्ट वाला सी वो जाएगा लास्ट वाले परसेंटेज डी के अंदर, ठीक है। चलिए इस फाइल को सेव करेंगे और रन कराएंगे, तो अब आपको मिल जाएगा एडिशन ऑफ 10 एंड 12 इज 22, ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज होकर आ गई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम दूसरी बार चेंज करते हैं कोई वैल्यू 5 और 8, फाइल को कराएंगे रन, तब आप देख सकते हो एडिशन ऑफ 5 एंड 8 इज 13, ठीक है। तो इस तरह से आपको आउटपुट के अंदर लाना है सभी कैलसी की फंक्शनैलिटीज। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक ही लाइन को प्रिंट किया हुआ है, आपको टोटल 5 लाइन प्रिंट करनी है। एक होगी आपके एडिशन के लिए, एक होगी आपके सब्ट्रैक्शन के लिए, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो, ठीक है। उन सभी के लिए आपको इस तरह की 5 लाइन एक ही प्रोग्राम के अंदर करके लानी है, मतलब कि सिंपल है कैलकुलेटर के बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, राइट। जितने चाहो आप उतने वेरिएबल्स ले सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे सिर्फ 5 लाइन आउटपुट के अंदर चाहिए इसी तरह की। एक होगी एडिशन के लिए, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो के लिए, ठीक है। तो ये है आपका प्रोग्राम, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और ये मैंने सैम्पल भी एक लाइन बता दिए इस तरह की, आपको टोटल 5 अलग अलग न्यू लाइन्स लानी है, ठीक है, एक ही प्रोग्राम के अंदर, ओके। तो आपको प्रैक्टिस करनी है हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर आता है तब तक इन सभी ऑपरेशंस की, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, उसकी सभी को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, और उसके बाद आपको ये वाला प्रोग्राम बनाकर लाना है, ओके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।